वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। गाइस आज के लिए आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, नोटिफिकेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिक्रूटमेंट आई है 2018। गाइस इंटेलिजेंस ब्यूरो की नोटिफिकेशन आई है एंड गाइस इसमें जो पोस्ट है वो है 1054 वैकेंसी है। लेकिन गाइस अगर आप ये सोचेंगे कि पोस्ट ज्यादा है या क्वालिफिकेशन कम है, वट एवर कुछ भी आप सोचते हैं, अपने माइंड में मिथ बना के चल रहे हैं, तो गाइस आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी टफ है। यानी आपको इसके लिए ये नहीं है कि अगर आप इसका जो क्वालिफिकेशन लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम काफी इजी होगा, बट गाइस इसका सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ है। सो गाइस अभी हम जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें पे स्केल कितना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है एंड ऑल दैट। सो गाइस आपको क्या करना है, आपने विजिट करनी है मेरी वेबसाइट themilitarymike.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपका सीधा पेज है वो ऐसे ओपन होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2018, नेम ऑफ द पोस्ट आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो ये पोस्ट है एंड गाइस ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, टोटल वैकेंसी 1054 है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ओपन होगा। गाइस रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 19 अक्टूबर यानी शुरू हो चुकी है, एंड डेट है 10th नवंबर। एज लिमिट है आपकी 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड क्वालिफिकेशन 10th पास। गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि 10th पास है या मैंने ग्रेजुएशन की है या मैंने 12th की है तो मैं इस फॉर्म को क्यों भरूं, या फिर कुछ आपके माइंड में मिथ्स होंगे। सो गाइस आपकी बात ही क्लियर कर दूं कि इस एग्जाम का जो रैंक स्ट्रक्चर है, यानी आपकी जो अगर आप यहाँ पे स्केल देखेंगे तो यहाँ पे स्केल है 20,200 विद ग्रेड पे ऑफ रुपीज 2,000 प्लस एडमिशन्स सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस देती है। एंड गाइस ये होम मिनिस्टर के अंडर आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी मेल कैटेगरी के लिए ₹50 है एंड SC ST एक्सर्व स्पैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अभी आपको पोस्ट में जो है वो कैसे डिवाइड हुई वो बता देता हूँ। सबसे पहले अगरतला मान लीजिए, अगर आप अगरतला को बिलोंग करते हैं तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपके लिए ये लैंग्वेज ओपन होगी, बंगला, लुसनी, मेथी, व्हाटएवर जो भी ये लैंग्वेज है ये ओपन होगी। अब यहाँ पे देखिए अगरतला के लिए वैकेंसी कैसे है, अंडर रिजर्व जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 80 है, यानी अगरतला के लिए 8 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए नहीं है वैकेंसी, एसटी के लिए 3, ST 4, 15, मतलब टोटल ऐसी भी वैकेंसी। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर आप दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी होगी 114 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 55, मतलब ऐसे डिवाइड की गई है। यहाँ पे अगर बात करें आगे जाके हम जम्मू की तो यहाँ पे डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, ये ऐसे ऐसे वैकेंसी। शिमला की बात करें तो शिमला में सिर्फ 9 वैकेंसी है, यानी हिमाचल में सिर्फ 9 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की एंड ओबीसी की 3, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1। आप यहां से ऑफिशियल नोटिस से देख सकते हैं इजीली, और जब ऑफिशियल नोटिस आपने देख लिया उसके बाद आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, यहां पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी, वहां से आप फिल कर सकते हो। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जब आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल सब फिल हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि आपको एक दिन का वेट करना होगा फी डिपॉजिट करवाने के लिए। ये गाइस वेबसाइट के जो रूल्स है उसके आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्राइटेरिया है उसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 3 स्टेजेस होंगे गाइस वहां पर। सबसे पहले होगा आपका प्रीमियरली एग्जाम, सेकंड मेंस, थर्ड इंटरव्यू। फर्स्ट एग्जाम में आपको जो है वो 4 सेक्शंस आएंगे। फर्स्ट स्टेज विल बी अ रिटन एग्जाम ऑफ 2 आवर्स, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का है। देयर आर 4 सेक्शन इन दिस एग्जाम। फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग, फोर्थ इज इंग्लिश लैंग्वेज। गाइस 100 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। लेकिन इसमें एक जो आपको जरूरी बात बताने की वो ये है कि जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आएंगे एंड जो रेस्ट जो बाकी रहे हैं उनके सिर्फ 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका जब यहां से सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट स्टेज से तो आपका होगा मेंस एग्जाम। मेंस के लिए आपको 50 मार्क्स होंगे, उसमें 2 सेक्शंस होंगे, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज।
गाइस जैसे अभी आपने वहां पर लैंग्वेजेस देखी थी नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज भरी है तो मेरे को जो जो मुझे ट्रांसलेशन का एक पैसेज दिया जाएगा इंग्लिश में, मुझे उसे ट्रांसलेट करना है पहाड़ी लैंग्वेज में। यदि आपने हिंदी लिखा है तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, या कोई और लैंग्वेज जैसे डोगरी होगी या मलयालम तमिल, उसमें कन्वर्ट करके आपको बताना है। सेकेंड सेक्शन जो है वो स्पोकन एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। ये टोटल जो क्राइटेरिया है ये है, यानी फर्स्ट सेक्शन जो है वो 40 मार्क्स की है, सेकंड 10 मार्क्स की। अब यहाँ पर आपको मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू के क्वालिफाई करने, इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 50 में से। ओके, सो थर्ड स्टेज आपकी इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट, थर्ड स्टेज कंसिस्ट 50 मार्क्स, यहाँ पे भी 50 मार्क्स होंगे, यानी टोटल ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो 200 मार्क्स का है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन स्टेज वन एंड टू। जो आपकी परफॉर्मेंस होगी रिटन एग्जाम में एंड मेंस एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड इंटरव्यू में जब आपका एग्जाम हो जाएगा 50 मार्क्स का, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर तीनों का जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो सिलेक्शन की जाएगी, मेरिट लिस्ट उसके बाद बनेगी। इसमें कोई भी फिजिकल एग्जाम नहीं है, लेकिन जो आपको अभी मेंस एग्जाम बताए वो काफी जो है वो प्रीशियस है। सो गाइज ये थी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो आपको बताना था इंटेलिजेंस ब्यूरो का। एंड गाइस इसके ऊपर आपको बुक्स क्या प्रेफर करनी है इसकी भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस टिल दैट सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल द मिलिट्री माइंड।